मैं संवाददाता दिव्या केंद्र, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्य प्रत्येक सर। पाल्डो स्कूल ज्योति तहसील जो अति दुर्गम भाग माना जाता है। इससे अति दुर्गम भाग में एक ऐसी स्कूल है जो 365 दिन चलती है और इस स्कूल का नाम है जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला पाल्डोह, जो जिले की 365 दिन चलने वाली स्कूल है। तो आज हम ऐसे एक शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनकी खुद की बैंक है और उस बैंक का नाम है श्री आनंद नगरी सहकारी बैंक चंद्रपुर। तो हम इस बैंक के मैनेजर सर से बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। सर आपका पूरा नाम? सर आप क्या करते हो? मैं ऐसे मेरा बिजनेस है, मैं बिल्डर हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मेरा व्यापार है। सर यह जो बैंक है, इस बैंक को निरंतर अग्रसर होते हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो मैं सबसे पहले इसकी तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और इस बैंक को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थोड़े से आपके प्रश्नों में करेक्शन कर रहा हूँ कि मैं बैंक का मैनेजर नहीं हूँ, मैं बैंक का संस्थापक हूँ, बैंक का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और आज से करीब 26-27 साल पहले बैंक को हमने फाउंडेशन डाला, उसकी प्रक्रिया शुरू करी और बैंक 20 फरवरी को हमने चालू करी 97 में, और 20 फरवरी 2023 को हम 27वें साल में प्रवेश किए। और बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगा कि मैं मंदिर ना बना के अगर ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें कुछ लोगों को हम सहकार्य से जोड़ सकें, लोगों की ज़रूरत तक पहुंच सकें, तो यही उद्देश्य समाज सेवा का था। समाज सेवा के सबके अलग अलग रस्ते होते हैं, मुझे सहकार क्षेत्र में चांस मिला तो मैंने सहकारी बैंक की स्थापना की। सर इस बैंक की जो स्थापना हुई है तो इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वही उद्देश्य को लेकर चले कि हम जिस जिस क्षेत्र में बैंक के मार्फत लोगों की सेवा कर सकेंगे वो हर सेवा हम करने की कोशिश करेंगे। सर ज्योति तहसील जो अति दुर्गम भाग माना जाता है और इसी अति दुर्गम भाग में एक ऐसी स्कूल है जो 365 दिन चलने वाली स्कूल है। इस स्कूल का नाम है जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला पाल्डोह, जो दिल्ली की 365 दिन चलने वाली पाठशाला है। तो इस पाठशाला के बारे में आपको माहिती कहाँ से मिली? सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो कमिश्नर साहब हैं श्री जितिन जी पालीवाल, उनसे पहली मुलाकात हुई। मैंने जब उनसे मेरी चर्चा कर रही थी कि हम सामाजिक क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम करते हैं, बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, 5वीं से 7वीं तक हमने किसानों के बच्चे जो किसानों ने आत्महत्या करी उनके बच्चों को पुनः भेजा, वहाँ उनको फ्री एजुकेशन चालू, और कोविड में भी हमने ऐसा ऐसा काम किया, ये सब बातें कर रही थी। तब उन्होंने प्रत्येकी सर के बारे में मुझे बताया और उस दिन से दिमाग में प्रत्येकी सर से मिलना, उनसे जुड़ना, ये जुनून सवार था। और जिसको सक्सेस किया हमारे सोहेल भाई हमारे बैंक के एक अच्छे कस्टमर हैं, कोरखना के निवासी हैं, उनको बताया मैंने, तो चंद्रपुर आए थे तो फिर उन्होंने जाके प्रत्येकी सर से मुलाकात की और उन्होंने सबसे पहला सर्टिफिकेट दिया। सर मैं 2.5 घंटे के लिए मिलने गए, जाने का सोच के आया था और 2-2.5 घंटा जाके आया, और सर आपके कारण मैं एक बहुत अच्छी स्कूल में जाके आया, बहुत अच्छे मंदिर में जाके आया, ऐसा उसका बोलना रहा। सर यह जो स्कूल है वह सरकारी स्कूल है और यह स्कूल सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक चलती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये अभी मुझे मालूम पड़ा कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक चल रही है, इतना जरूर सुना था कि सिर्फ 365 दिन चल रही है। तो मैं सर को करबद्ध सर का ऋणी रहूँगा कि उन्होंने हमारे समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने समय तक के लिए बंदिश रहता, हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा वो देखता है कि 8 घंटे में मेरा काम अच्छे से कर सकूँ बहुत है, लेकिन सर ने समय को कहीं सीमा ही नहीं रखी और उन सब सुविधा को लांघते हुए सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक स्कूल चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सर आपके ZPTV पाल्डोह के माध्यम से पूरे नागरिकों को, अध्यापकों को और विद्यार्थियों को इस आनंद नगरी सहकारी बैंक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है कि हमने सोच लेना चाहिए किसी चीज को, अगर हमको हमारे सपने साकार करना है तो तुरंत उठना चाहिए, आराम करने से हमारे सपने साकार नहीं होंगे। कोई भी चीज़ को, कोई भी इसको दिमाग में सामने कोई भी सपने को देखो और उसको साकार करने के लिए
जुनून पैदा करो अपने इसमें, या एक पागलपन लाओ कि जब तक वो मैं अचीव नहीं करूँगा, वो मेरा सपना साकार नहीं करूँगा जब तक मैं खाली हाथ नहीं बैठूँगा या आराम नहीं करूँगा। तो ऐसे ही आप लोग वाल्डो वाले सभी लोग, स्पेशली मैं प्रत्येक सर को सैल्यूट करूँगा कि वो अपना ऐसे ही योगदान दें और ऐसे हर जिले में राजेंद्र प्रत्येक सर को पैदा करें, यानी उनमें ये उत्साह भरें, ऐसे लोगों को तैयार करें और जो हर हमारे चंद्रपुर जिले के हर स्कूल में ऐसे एक एक सर मिले। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करकर। तो मैं संवाददाता दिव्य राहुल केंद्रे, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्य प्रत्येक सर, झेडपी टीवी पालघर।